नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतिशी मालिना ने सीएम पद की शपथ लेने के लिए निकल गई। बता दें, आज आतिशी सीएम पद की शपथ लेने के लिए पहुंचने वाली थी। कार्यक्रम में पहुंचने के लिए आतिशी पहुंच चुकी है। आपसे कुछ ही देर में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आतिशी के साथ 5 मंत्री भी शपथ ग्रहण लेंगे। बता दें कि 5 मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपसे कुछ देर में राजभवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, जिसके लिए आतिशी अब पहुंच चुकी हैं। ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आतिशी मालिना आज शपथ ग्रहण करने के लिए निकल चुकी हैं और कुछ देर में उनका शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। बता दें, आतिशी के साथ 5 मंत्री भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने वाला लड्डू इन दिनों राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है। गुजरात की एक प्रयोगशाला ने लड्डू को बचाने में घी की साथ साथ पशु की चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल किए जाने का दावा किया, तो वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री एन नायडू ने ये पिछली बार सरकार के श्रद्धालुओं की भावना को आहत करने का महापाप का आरोप लगाया। वहीं बता दें कि YSRCP ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम राजनीतिक लाभ लेने के लिए घृणित आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की है, मंदिर के प्रसाद की जाँच कराई जाएगी। वहीं तिरुपति मंदिर के भोग को लेकर उठे विवाद पर FSDA ने कहा कि लखनऊ के मंदिरों में बिक रहे प्रसाद की भी अब जांच कराई जाएगी। इसी पे आगे चर्चा करने के ये जो चर्चा चल रही है, तिरुपति भगवान का मंदिर जो है हमारे सनातन की धुरी है, सनातन की धुरी है और दक्षिण पद्धति में, दक्षिण परंपरा में वहाँ जो कर्म कांड की विधि है, पूजा विधि है, बड़ी ही सशक्त है, बड़े ही स्टिक है। वहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए और हमको भी विश्वास नहीं होता है कि इस तरह का वहाँ ऐसा चल रहा है। लेकिन ये जो चर्चा है जो चल रही है, ये कई जगह से गड़बड़ दिखाई दे रही है। बाहर के लोग शायद इस तरह कर रहे हों कि चलो सनातन में आपस में विद्रोह हो और ये लोग वो सब करें। तो ये जो आपने कहा है कि वहाँ जो जांच पाया गया है, वहाँ भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो मैं यही कहूँगा कि इसकी सभी जांच हो, पूरी जमीनी लेवल से जांच हो, गहराई से जांच हो, और जांच के बाद में जो पाया जाए उस पर सरकार कड़ा रुख अपनाए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो मंदिर प्रबंधन है वहाँ से ऐसी करतूत नहीं की जा सकती है। इसके अंदर षड्यंत्र की भू आ रही है, चाहे वो लेबोरेटरी की बात कह रहे हो या कहीं से ऐसी बात कर रहे हो, तो उसकी पूरी शक्ति से जांच होनी चाहिए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद से, भोग से कोई भी ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि यह है जो खिलवाड़ किया जाए, तो वर्षों पुराना हमारा यह जो आस्था का केंद्र है, वहाँ तो सब लोग राष्ट्रपति तक जाते हैं मनौती मांगने के लिए। देश के सभी है जो धर्म के लोग वहाँ पे जाते हैं अपने हिंदू सनातन धर्म में और मनौती मांगते हैं। वहाँ पे ऐसे है जो घटना नहीं घटित होनी चाहिए, पूर्ण रूप से जाँच का विषय है। और हमें विश्वास है कि मंदिर प्रबंधन की ओर से ऐसा कार्य नहीं किया जा। तिरुपति मंदिर जिसमें लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं, और ऐसे में महाप्रसाद में मिलावट का ये मामला सामने आया है।
पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। जहां सरकार का कहना है कि कांग्रेस की सरकार में ये महापाप हुआ, तो वही कांग्रेस सरकार का ये कहना है कि भाजपा अपने 100 दिन काम पूरा होने में नाकामी को छुपाने के लिए ये आरोप जानबूझकर कांग्रेस पे लगाई जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि जिस मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है, उस आस्था पे ऐसा खिलवाड़, उस आस्था के साथ इतना खिलवाड़, जहाँ पे हिंदू जो लहसुन प्याज का भी छोड़ देते हैं, अगर नवरात्र की बात करें या कोई भी ऐसा काम होता है तो लहसुन प्याज खाना भी हमारे यहाँ वर्जित माना जाता है, ऐसे में वो मंदिर जिसमें लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है, उसके प्रसाद में पशु चर्बी मिलाना, मछली का तेल मिलाना, इसके लिए कहीं ना कहीं ये लाखों लोगों की श्रद्धा के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात माना जा रहा है। इसको लेके अभी सभी मंदिर, जो भी मंदिर है, सभी शक के घेरे में आ गए हैं कि क्या हर मंदिर में ये व्यवस्था है, ऐसी ही व्यवस्था है, क्योंकि जो इस मंदिर की बात की जा रही है वो इसके ट्रस्टी से लेकर वहाँ के प्रसाद बनाने वाले सभी हिंदू धर्म के हैं, फिर कहाँ पे ऐसी चूक हो जा रही है कि ये इतना बड़ा मामला आया। ये ना सरकार की बात है, ना कांग्रेस की बात है, ना भाजपा की बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक इंसान की एक भक्ति भावना के ऊपर सीधा आघात है जो एक सरकार ने दूसरी सरकार के ऊपर लगाया है। मंदिर के प्रसाद पे अब राजनीति भी नजर आ रही है, तो वही आपको बता दें कि इसी चीज को लेकर अब लखनऊ के मंदिरों में भी जांच की मांग उठी है। लखनऊ के मंदिरों में जो प्रसाद मिल रहे हैं उसकी जांच करने की बात की गई है। और वही आपको बता दें कि ये मामला पहली बार नहीं हुआ है, ये मामला भाजपा की तरफ से उठाया गया है कि मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी मिलाई जाती है और इसमें मछली का तेल भी मिलाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि ये मामला पहली बार नहीं हुआ है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल होने की बात सामने आई, जिसके बाद प्रसाद पर विवाद हो गया। इस मामले पर संत समाज और पक्ष विपक्ष हिंदू में आक्रोश तो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर सवाल उठे हैं। इससे 4 दशक पहले भी इसे लेकर काफी विवाद हो चुका था, जिसके बाद मंदिर के प्रसाद को वैज्ञानिक पद्धति से बनाने का दावा किया गया था। दरअसल लखनऊ के रहने वाले एक रिटायर अधिकारी ने तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को लेकर काफी समय पहले सवाल उठाए थे। ये मामला उस समय भी खूब उछला था कि मंदिर के प्रसाद भंडार में जो लड्डू खरीदे जाते हैं उसमें फफूंदी, कील और मिलावटी चीजें होती हैं। इस खबर के बाद काफी हंगामा मचा था, काफी लड्डुओं की जांच भी हुई थी प्रसाद की, लेकिन फिर ये मामला दबा दिया गया। इसके बाद अब फिर पता चला कि वो मामला फिर से तूल पकड़ता नजर आया है, जिसे लेकर सभी हिंदुओं धर्मों की आस्था एक बार फिर से सवाल के घेरे में खड़ी हो गई है। सभी का ये मांग है कि इस चीज की मांग की जाए, जांच कराई जाए अच्छे से। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी का मामला दिन ब दिन गरमाता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये एक राजनीति रूप भी लेता जा रहा है, जहां पे एक तरफ पक्ष, जहां पे एक तरफ सरकार कांग्रेस को घेर रही है कि कांग्रेस के राज्य में ये सारी चीजें की गई हैं जो हिंदू धर्म पे आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह, आचार्य मनोज शुक्ला और बीजेपी नेता रत्नेश मिश्रा और इसके साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित तिवारी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता से, अमित जी, ये जो सवाल उठ रहे हैं प्रसाद में मिलावट का, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के साथ ये खिलवाड़ किया गया है, क्या कुछ कहना है इसके बारे में, क्योंकि सवाल तो कांग्रेस के ऊपर ही उठ रहे हैं। अमित जी, आवाज आ रही है आपको? बताना चाहते हैं कि किसी भी धर्म की हम चाहेंगे ये चर्चा रत्नेश मिश्रा से आगे बढ़ाए। रत्नेश जी, भाजपा सरकार ने कांग्रेस पे ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस के राज्य में ये मिलावट की गई है, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? देखिए,
देखिए अर्चना जी, आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट को और देश की जनसंख्या को मेरी तरफ से जय श्री राम जी। देखिए पहली बात तो ये स्पष्ट कर दी जाए कि वहाँ YSRCP कांग्रेस की सरकार थी जी। जो कांग्रेस पार्टी के एक नेता हुआ करते थे YSR रेड्डी, उनके बेटे ने अलग, जगनमोहन रेड्डी ने अलग होकर एक पार्टी बनाई थी, तो कांग्रेस से विपरीत वो पार्टी, लेकिन आइडियोलॉजिकली वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। अब देखिए YSRCP की जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये जो महाप्रसादम में जो चर्बी इस्तेमाल करने का और जो मछली का तेल इस्तेमाल करने की घटना आई, वो उन्हीं के सरकार में शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं जगनमोहन रेड्डी के ऊपर ये सवाल उठते हैं कि आपने सत्ता में रहते हुए तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे पवित्र धार्मिक स्थल में आपने इस प्रकार का कुकृत्य कराया, आपने इस प्रकार का महापाप करने का काम किया है। और YSR रेड्डी के बारे में एक चीज और बता दूं, उनके नाम पे मत जाइएगा, वो कन्वर्टेड ईसाई हैं, वो कन्वर्टेड ईसाई हैं। उनके पिताजी का जो अंतिम संस्कार हुआ था वो ईसाई पद्धति के तहत हुआ था। और उन्हीं YSR जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा है आंध्र प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं उनसे भी जवाब पूछा जाएगा कि जब आपका भाई मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रकार के महापाप कर्म में संलिप्त था तो आप उस समय चुप क्यों थी। आज शर्मिला रेड्डी ये बात कर रहे हैं कि CBI को जांच करनी चाहिए। अरे भाई, आप क्यों नहीं कहते कि आपके भाई ने महापाप किया, आपके भाई ने लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। और वहां से लेकर आज तक मैं आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से भी मैं सवाल करूंगा कि अगर कहीं पर भी जरा सी घटना होती है तो आप लोग बयानबाजी करने लगते हैं, लेकिन हिंदू आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ और मठाधीश और माफिया में तुलना करने वाले अखिलेश यादव के मुंह से एक बोली तक नहीं फूट रही है, वो एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। क्या ऐसी उनकी दुविधा है, क्या ऐसी उनकी मजबूरी है कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ और उस पर अखिलेश यादव जी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं और मुंह में फेविक्विक लगा चुके हैं। कम से कम भैया बोलिए तो, कहिए तो कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले जगनमोहन रेड्डी को जेल भेजा जाना चाहिए। और मैं अर्चना जी आपको आश्वस्त कर देता हूँ, जो हमारी वहां पर NDA की समर्थित सरकार है, जो हमारे समर्थित मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जी, हम आपको एकदम बता देना चाहते हैं कि हमारी हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं, महापाप का दंड महादंड के रूप में दिया जी। ठीक है अमित जी, लाखों हिंदुओं की श्रद्धा को ठेस पहुंची है, एक महाप्रसाद में ऐसी मिलावट, क्या कहना है आपका अमित जी? आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, आपको हमारी आवाज मिल रही है। हम सपा प्रवक्ता से जानना चाहेंगे, धर्मेंद्र जी, रत्नेश जी ने कहा, अमित जी आवाज आ रही? हाँ, आपको मेरी आवाज मिल रही है। जी जी, बताइए अमित जी, एक हिंदू धर्म की भावना के साथ ऐसा खिलवाड़, क्या कहना है इसके? क्योंकि देखा जाए जी, बताइए। देख, इसमें किसी का कोई दो मत कहना नहीं हो सकता है। ये जघन्य कृत्य जिस किसी ने भी किया होगा, जिस किसी ने भी किया हो, उसको कानून की कठोरतम सजा मिले। किसी को हक नहीं है कि किसी भी धर्म के साथ, हिंदू धर्म के साथ, कि आस्था के साथ, असंख्य लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था, उसके साथ खिलवाड़ किया जाए। अगर जगनमोहन रेड्डी ने के माध्यम से टेंडरिंग प्रक्रिया में और या तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट की साठगांठ से ये चीजें हुई हैं, तो उनका पर्दाफाश होना चाहिए। और सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, उन्हें कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी इस पर यही सबसे पहले कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होकर के जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले, और किसी की भी भावना, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का किसी को हक नहीं दिया जा सकता। जो ये कृत्य अगर किया गया है तो ये वास्तव में बहुत ही जघन्य कृत्य है, हमारे नेता ने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया है। दूसरी बात रहती है कि भारतीय जनता पार्टी, हम तो कहते हैं कि CBI, ED और इन सब चीजों से ही तरसा करके देश की जो भी सर्वोच्च संस्थान है, सर्वोच्च संसाधन है, वो इसमें लगा देने चाहिए। और देश में जो ये इस प्रकार की चीजें घटित हो रही है उन पर पूर्ण अंकुश लगाना चाहिए, कठोरतम सजा का प्रावधान करना चाहिए। और किसी की भी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का किसी को कोई हक होता ही नहीं। जी धर्मेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, रत्नेश जी ने कहा कि इस पे अभी तक अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया, जो सब मामले में सबसे आगे और बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, क्या कुछ कहना है? क्योंकि जो ये सवाल उठा है प्रसाद का, इसमें ना सपा भाजपा कांग्रेस की बात है ही नहीं, ये तो हिंदू धर्म की भावना के ठेस पहुंचाने की बात है। एक प्रसाद जिससे लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी, उसके साथ ऐसा खिलवाड़।
देखिए अर्चना जी, हम लोग यहाँ गांव में एक कहावत है, कौवा कान ले गया और कान के पीछे दौड़ दिए, अपना कान ले गया। भारतीय जनता पार्टी की समस्या यही है कि लाश पर राजनीति करना और लोगों के सेंटीमेंट को उभार करके उस पर राजनीति करना, तथ्य पर जाना नहीं चाहते हैं। अब सवाल यह है तथ्य कौन है? ये जो घटना हुई है बीच में, जब आप इसको देखेंगे तो एक तो ये मई लास्ट लेकर के टेंडर काल होता है, जून में टेंडर खुलता है, सप्लाई ऑर्डर होता है और जून में सप्लाई होती है, टोटल 10 टैंकर की सप्लाई हुई, 15,000 लीटर के एक टैंकर होते हैं। ये चीजें एक तरीके से जी। दूसरी दो चीज है, एक है 18 तारीख को मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि उसमें चर्बी और ये चीजें हो सकती हैं, ऐसी मिलावट होती रही है, और रिपोर्ट 19 तारीख को आ जाती है जी। सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरे देश का एक भी नागरिक इससे सहमत नहीं होगा कि किसी भी तरीके के किसी भी की भावना के साथ, और विशेष रूप से जहां हम ईश्वर की आराधना करते हैं वहां से जुड़े किसी भी मामले में, जिस पद्धति से हम रहते हैं, हमारा जो खान पान है, रहन सहन है, हमारी जो भावनाएं हैं, उसको जो भी आहत पहुंचाएगा वो बिल्कुल सजा का हकदार है। और सजा का हकदार ऐसा नहीं है, सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों की रूह का कोई, चाहे जो भी हो, किसी की भी भावना को आहत करता है, करोड़ों लोगों की भावना इसमें जुड़ी हुई है। लेकिन अब तथ्यों पर आते हैं, दो तीन चीजें। जब आप पार्टियों से इसको, पहली बात है राजनीतिक मामला नहीं है ना, किसी राजनीतिक पार्टी के इन्वॉल्वमेंट है, वो ट्रस्ट बनती है, ऑफिसर होते हैं, एक उन्होंने टेंडर किया। इसके पहले कर्नाटका जो डेयरी फेडरेशन है वो 478 रुपए लीटर वहां दूध देता था जी। जो कि ठीक है, प्रैक्टिकली जो है आज के दौर में जितनी महंगाई है, आप बहुत ही अच्छा अगर शानदार दूध होगा 9.110 के आसपास, तब जो है 10 लीटर 9 लीटर में एक लीटर घी निकाल सकता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, अदरवाइज 20 लीटर में एक लीटर घी आएगा तो संभव नहीं। 319 रुपए कोट करता है, जब उसने डेयरी ने मना कर दिया हम इससे कम में नहीं दे पाएंगे, तो इन्होंने टेंडर कर लिया, 5 फर्में भाग लेती हैं, उसमें इन्होंने चेन्नई बेस्ड कंपनी को AR कुछ करके कंपनी है उसको इन्होंने 320 रुपए में टेंडर दे दिया। उसी समय मेरी बात पूरी हो जाने दे, मैं थोड़ा टाइम लूंगा, उसी समय सवाल ये उठना चाहिए था कि आप 320 में कैसे देंगे, नंबर वन, जो कि नहीं पूछा गया तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि क्या सरकारी एजेंसियां जिनकी जिम्मेदारी क्वालिटी कंट्रोल की होती है, जैसे FSSAI है, भारत सरकार बहुत बड़ा पैसा उसके पीछे खर्च करती है, तमाम जगह लैब्स है उसके, उसकी संस्था है एक NABL जो उसमें प्रसादम में टेंडर हुआ है उसमें उन्होंने कोट भी किया है कि NABL का जो क्लाज है उसको पूरा किया जाएगा, और उसका क्या है, नेशनल एरेडिशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कोलेबरेशन इंट्रो लेबोरेटरीज, इसका था कि एक जो सैंपल आएगा, मतलब एक जो टैंकर आएगा उसका सब में से सैंपलिंग होगी और वहां से जाकर के उसकी रिपोर्ट आएगी। यदि इसका जो है अंश शोधन का कार्य नहीं किया गया तो उसके भी जिम्मेदार लोग हैं। अब दूसरी चीज, यदि क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो क्या कर रही थी, FSSAI क्या कर रही थी, लैब्स क्या कर रहे थे, तमाम जो खाद्य सुरक्षा के डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या कर रहे थे वहां सबका फेल्यूर है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे राहुल गांधी से लेकर के तमाम, कम से कम इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां तक YSR रेड्डी का है, आपके साथ एंजॉय किया सत्ता में, आपको याद होगा 2023 में जब विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव 2023 में लेकर के आए थे तो आपके मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके YSR साहब रोटे, हमने उठाया नहीं कि मोदी जी उसमें इन्वॉल्व, मोदी जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस चुनाव में भी हमारा गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने का काम कर रहे थे, लेकिन ये मुद्दा अत्यंत संवेदनशील है, ये पार्टियों से जोड़ने वाला नहीं है। इसमें अगर पहली बात ये तय होना चाहिए कि सच में ऐसा हुआ है, कभी कभी इसके तमाम चीजें, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट है, कैसे जांच हुई, किस तरह जांच हुई, कब का सैंपल है, कितना लड्डू गया, कितना बना, कितना इस्तेमाल हुआ, जो उनका आधिकारिक बयान आया है कि उन्होंने टोटल 8 टैंकर और कुल 15 टैंकर करीब इन्होंने सप्लाई दिया था, जो 15 जून से लेकर के 20 जुलाई के बीच में, लेकिन उसमें दो दो टैंकर के दो दो बंच में जो है जो इस्तेमाल हुए थे उसकी जांच, उसके बाद इनके सारे उस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अगर एक बूंद एक लीटर भी आया तो भी बहुत गंभीर विषय है कि एक लीटर का भी अगर इस्तेमाल हो गया तो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ माना जाएगा और उन सारे लोगों को फांसी होनी चाहिए जो इसमें जुड़े हुए हैं। ये सामान्य घटना नहीं है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट चीज है, होनी चाहिए, लेकिन इसको इसकी जांच राजनीति से ऊपर उठ करके, दलगत भावना से ऊपर उठ करके, इसको केवल और केवल करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय और साथ साथ गैर कानूनी काम के ठीक है। धर्मेंद्र जी हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु मनोज शुक्ला भी जुड़े हैं। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे कि प्रसाद में मछली का तेल मिलाना, पशु चर्बी मिलाना, क्या कुछ कहना है? जहाँ पे हिंदू धर्म के जब त्योहार शुरू होते हैं या मंदिर जाना होता है तो लहसुन प्याज तक वर्जित होता है,
ऐसे में प्रसाद के अंदर पशु चर्बी और मछली का तेल कहाँ तक सही है बताइए। तिरुपति बालाजी जो मंदिर है जी, वो पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में सभी लोगों की आस्थाएं उससे जुड़ी हुई हैं, करोड़ों लोगों की आस्थाएं उससे जुड़ी हुई हैं। यदि ऐसा है जैसा सुनने में आया है कि उसमें जो है मछली का तेल या किसी जानवर की चर्बी मिलाई गई है प्रसाद में, तो वो चाहे किसी दल का नेता हो, चाहे उस ट्रस्ट का कोई भी आदमी हो, उसे बाहर निकाल कर कड़ी सी कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये एक आस्था के विषय है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। तो जहाँ हम लोग हिंदू धर्म में ऐसे हमारे त्यौहार आते हैं जहाँ हम लहसुन प्याज तक सेवन नहीं करते हैं और अपने हाथ सौपाकी अपने हाथ से बनाकर भोजन करते हैं, और जहाँ इस तरीके की बात सुनने को मिलती है कि चर्बी मिलाकर के भोजन करना, लड्डू प्रसाद दिया जाए या मछली का तेल मिलाकर प्रसाद दिया जाए, तो मैं ये कहूँगा कि हर एक मंदिर की जाँच कराई जाए, चाहे वो जहाँ का मंदिर हो, हर एक मंदिर की जाँच कराई जाए, उस मंदिर में एक गठित किया जाए कि प्रसाद पहले भगवान को चढ़ाने के पहले उस प्रसाद की जांच की जाए, तभी उस प्रसाद को भगवान को चढ़ाया जाए, अन्यथा वो प्रसाद भगवान को न चढ़ाया जाए, क्योंकि ये एक परिवार के भी, एक पूरे विश्व में ये भारत की एक आस्था का विषय है। ठीक है रतेश जी, भाजपा का ये तीसरा कार्यकाल है, ऐसे में अब इस चीज की जाँच कराना इतना लेट क्यों, जहाँ पे हमारे देश में मैगी नूडल्स की जांच करती है सरकारें कि वो सही है कि नहीं है, कोल्ड ड्रिंक की जांच की जाती है सरकार, कोल्ड ड्रिंक की जांच करती है कि वो सही है कि नहीं है, उसमें मिलावटी सामान है उसे बैन कर दिया जाता है, ऐसे में इतने बड़े मंदिर के प्रसाद में इतनी बड़ी लापरवाही, क्योंकि जब ये प्रसाद बनता है उसके सामान आते हैं तो वो सारे लोग तो हिंदू ही संगठन होते हैं ना, हिंदू लोग ही लेके आते हैं, तो फिर भाजपा ने इतना लेट क्यों किया और अब कांग्रेस पे ये इल्जाम लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस का तो सीधा सीधा कहना है कि अगर गलत है तो सीबीआई जांच करा दी जाए। देखिए अर्चना जी, इस पूरे मामले का जो खुलासा हुआ वो हमारे सहयोगी दल की सरकार आने के बाद ही हुआ है। इस बार के आंध्र प्रदेश के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू जी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़े थे, और आपने देखा कि वहां पर जब चंद्रबाबू नायडू जी बने मुख्यमंत्री तो उसके बाद ये मसला खुलकर आया। देखिए हमारी पार्टी और हम लोग भी एज अ हिंदू या सनातनी हम ये विश्वास करते हैं कि अगर कोई हमारे मंदिर में आ रहा है तो ऐसा कोई जघन्य अपराध नहीं करेगा, लेकिन कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मंदिर में सारे हिंदू ही काम करते हैं, क्योंकि अभी इस घटना के बाद चंद्रबाबू नायडू सरकार ने एक स्टेप लिया है कि अब आंध्र प्रदेश में मंदिरों में वर्कर्स के रूप में केवल हिंदुओं की नियुक्ति होगी, मैंडेटरी कर दिया जाएगा इसको, नॉन हिंदू की नियुक्ति नहीं होगी। आ गया है, आप पढ़ लीजिएगा, नॉन हिंदूज की नियुक्ति हम नहीं करेंगे। अब अगर ऐसा भी क्लॉज हम लेकर आए हैं तो यही भी 25 लोग कुछ दिन में चलाएंगे कि भैया नहीं 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 आप इस तरह नहीं कर सकते, हम बिल्कुल करेंगे। और रही आज जैसा कि मनोज शुक्ला जी ने कहा, आचार्य जी ने, कि प्रसाद की जांच होगी, तो देखिए ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर सत्ता में पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं जो सनातन धर्म के ध्वजवाहकों में से प्रमुख ध्वजवाहक है, यहाँ आप इस बात की तनिक भी चिंता मत कीजिए, यहाँ सनातन पर उंगली उठाने वाले अमित जी आपके बीच में, नहीं बोला ना कांग्रेस की दिक्कत है, कांग्रेस की दिक्कत है, मुझे पता है, मुझे पता है योगी आदित्यनाथ का नाम आते हैं कांग्रेसियों की जल जाती है, मुझे पता है बिलबिलाने लगते हैं आप, बिलबिलाने लगते हैं आप, शांति से सुनिए, हम आपके बीच में नहीं बोला ना, सुन लो मुझे पता है, मुझे पता है राहुल गांधी को चमचे तिल मिलाते हैं, मुझे पता है योगी का नाम सुन के क्रिप्टो क्रिप्टोकिस्टियों पार्टी के लोगों को दिक्कत होती है, मुझे पता है चर्च में जाकर प्रेयर करने वाले नेता की पार्टी के लोगों को योगी का नाम सुन के दिक्कत होगी। अरे अर्चना जी, पहली बात तो एक मर्यादा आप अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, नहीं बताइए बिलबिलाना शब्द कब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, नहीं आपके पास कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्दों की लिस्ट है क्या धर्मेंद्र जी, राहुल गांधी के पार्टी
पार्टी के लोगों को हिंदी बोलने से भी दिक्कत था। चलिए ठीक है, मुद्दे पे आइए। लखनऊ है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ हिंदी आपको सहनी पड़ेगी। अमेरिका में जाकर हिंदी की लड़ाई करिएगा, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ हिंदी आपको सहनी पड़ेगी। अंग्रेजी नहीं चलेगी यहाँ पे, यहाँ पे अंग्रेजी नहीं चलेगी, हिंदी है सुनना पड़ेगा। ठीक है, बोलिए रत्नेश जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैडम ऐसे पूछेंगे तो कैसे चलेगा? रत्नेश जी को बात कर लीजिए और रत्नेश जी आप अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। बता दूं अर्चना जी, आप कहीं भी बता दीजिए बिलबिलाना शब्द असंवैधानिक गलत है। अरे भाई आप क्यों नहीं कर पाए, बिलबिलाना शब्द कहाँ से हो गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल? आप मोदी जी पढ़िए ना, रत्नेश जी मुद्दे की बात करिए, रत्नेश जी मुद्दे की बात करिए। मैंने मैंने एक शब्द बोला, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को दिक्कत। चलिए मुद्दे की बात करिए, प्रसाद की बात हो रही है, प्रसाद की बात हो रही है, मोदी जी की बात करिए, प्रसाद की बात करिए। ठीक है, जैसे ही मैंने पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया, दोनों लोग चिल्ला उठे। ये बताता है कि योगी नाम सुनकर इनके अंदर कैसा कंपन पैदा होता है। भाषा की मर्यादा बनाइए, योगी नाम सुनकर कंपन पैदा होता है, योगी नाम सुन के और योगी जो गोरखपीठ के पीठाधीश्वर है उनके नाम का कंपन सुन के, बाबा गोरखनाथ का कंपन सुन के राक्षसों में कंपन पैदा होता था, राक्षसों के हृदय में। आप वो नहीं है, मैं मानता हूँ। ठीक है, चलिए आगे, अब आ जाते हैं हमारी सरकार में। आप एकदम निश्चित रहिए, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंदिर के प्रसाद की जांच कराई जाएगी और इसमें अगर कोई भी व्यक्ति संलिप्त पाया जाएगा इस प्रकार की अधार्मिक और अनैतिक क्रियाकलापों में, तो ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ऐसा दंड देंगे कि सात बुश्ते भी महापाप करने से काफी। तो इतना लेट क्यों? उत्तर प्रदेश के मंदिरों में मिलावट की, सुनिए, मिलावट की बातें तो हर जगह से उठती आई हैं, चाहे खाने पीने की चीजें हो, तो क्यों नहीं ऐसे में मंदिरों के प्रसादों पे ध्यान दिया गया? आप अर्चना जी, आप अर्चना जी रिपोर्ट उठा के देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने क्या कहते हैं जांच की है, वो हमारी सरकार ने की है। हमने किसी भी दुकान पे गुणवत्ता को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा है। हमारे लिए गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, चाहे वो धार्मिक गुणवत्ता हो, चाहे वो राजनीतिक गुणवत्ता हो, चाहे वो आर्थिक गुणवत्ता हो, चाहे वो सामाजिक गुणवत्ता हो। हमारी सरकार गुणवत्तापूर्ण सरकार ही चलाने के लिए जानी जाती है, इसीलिए हमने पूरे प्रदेश को माफियाओं से मुक्त किया और राजनीतिक गुणवत्ता और कानून व्यवस्था की गुणवत्ता को मेंटेन किया। बोलिए अमित जी, बताइए रत्नेश जी की बात का जवाब दीजिए। हम आशा करेंगे कि रत्नेश जी की बात को पूरा जवाब दे जी। आप बीच में कूदे हैं तो थोड़ा बहुत काम बोले तो मां मेरे ऊपर भी आएगा। कम से कम क्यों नहीं, संगत का असर तो पड़ता है ना अमित जी। सुन लीजिए ना अमित जी की बात सुन लेने दीजिए। आपने मैडम झूठ बोलेंगे तो रत्नेश जी आपने बोला, आप अमित जी को बोलने दीजिए। अमित जी बताइए, श्री योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने परम पूज्य से लेकर के जिन भी उपाधियों से नवाजा जी। अरे भाई हमारे लिए परम पूज्य है ना सर, नवाजने वाली कौन सी बात है? मैं भी कह रहा हूँ अमित, तुम्हारी आपके लिए परम पूज्य नहीं होंगे, मेरे लिए मेरे गोरख पिताजी कह रहा हूँ मेरे लिए परम पूज्य है, प्रत्येक सनातनी के लिए वो परम पूज्य है। मैं भी वही कह रहा हूँ, प्रत्येक सनातनी के लिए वो परम पूज्य है भाई।